वर्ड ऑफ द नोन। अब मैं ना मुझे बहुत भूख लगा तो मैं क्या करूँ, सोच भी नहीं पाती। पनीर फिर से निकला, देखा पनीर ख़राब हो गया। हाँ तो बहुत दिन का था इसलिए तो मैं भी एक तुरंत चिंता कर लिया दिमाग में कि मैं कलरफुल जो मैं कैप्सिकम है इसको देखे एक रेसिपी बनाती हूँ, जो मटन का शाक चिली शक्ति जो है इसमें सबको अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें डाला बारीक बारीक स्लाइस करके अनियन, और एक डाला कलरफुल रेड कलर का कैप्सिकम, अभी डाल रही हूँ येलो, अभी इसमें ग्रीन कलर भी थोड़ा डालूँगी। आप लोग देख लो, अगर अच्छा लगे तो बना रहा। मैं जीविका का किचन से बोल रही हूँ। बहुत भूख लगी साथी के फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ। और एक ठंड में मुझे बनाने की मन नहीं करता था, तो फिर मैंने सोचे बना लेती हूँ, और जब बनाती हूँ तो आप लोग को शेयर करती हूँ। अगर अच्छे लगे तो आप लोग देख लेना। मैं इसमें थोड़ा ग्रीन कलर का ढूंढती हूँ। थोड़ा सा है ग्रीन कलर का, तो वो मैं यूज़ कर लूँगी इसमें। और मैंने सोचा पनीर भी डालूँगी, बट पनीर ख़राब हो गया। तो नो प्रॉब्लम, जो है उससे करना अच्छा होता है ना। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन शिमला भी यूज़ किया। नहीं, पहले मैंने इसमें क्या दिया जानते हो, पहले मैंने दिया ऑयल, ऑलिव ऑयल दिया। उसके बाद में मैंने दिया इसमें हींग, हींग का बाद में दिया प्याज, फिर येलो कलर का जो है कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम एंड ग्रीन कैप्सिकम। वाओ, मुझे लगता है ये मस्त बनेगा। मैंने इसमें डालूँगी थोड़ा सा, मैंने लहसुन जो है चॉप करके रखा था वो मैं डाल दिया। आज का लगता है बहुत टेस्टी एंड मज़ेदार रेसिपी बनेगा। अभी मैं इसमें डालूँगी मिर्ची, लाल मिर्ची, और आप लोग जरूर देखना। अगर अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर इसको बनवा। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। मुझे तो अभी देखिए खाने के लिए मन करते हैं, तो आज मैं दोपहर को ही खाऊंगी। मैं अगर ज़्यादा ही मिर्ची देगी आपके उनकी अभी है ना, इतना सर्दी है ना, तीखा खाने का बहुत मन। सिंपल सा रेसिपी है, लेकिन चाहे पराठा के साथ खाओ, चाहो तो साथ सब में चले जाएंगे। तो जो सुबह में उठा ना, तुम्हें मैं से तो आज नाच कुछ नहीं बनाऊँगी, कुछ नहीं खाऊँगी, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या मतलब है, कितना होता है ना, मन खराब होता है, मेरे मन खराब था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा बन ही लेती हूँ, बना लेती हूँ, तो क्या खाना ही नहीं होगा। अभी थोड़ा सा इसमें मैं क्या डालूँगी, मिर्ची डाल दिया, थोड़ा सा दही भी डाल दूँगी। चलो देखती हूँ, ये मैं एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। इसमें नमक चाहिए, तो चलो फ्रेंड अभी इसमें मैं डालती हूँ नमक, साल्ट और मिर्ची तो दे दिया, बस हल्दी भी बनता है हल्दी। और आप लोग तो जानती हूँ मैं मीठा थोड़ा सा देती हूँ, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा चीनी मतलब सुगर थोड़ा सा डाल दिया। आपका अंदर से अगर आप लोग नहीं देना चाहते नो प्रॉब्लम, जैसे आपको रुचि होगा ऐसे करो। ये जैसा जब मैं ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ आपके देखती हूँ कैसा, आप लोग भी करके देखना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। हो गया, क्योंकि यह एक ऐसा चीज़ है ना फ्रेंड्स, अपना मन से नहीं हो रहा ऐसा नहीं, जो नॉर्मल जो हम लोग देखती हूँ वो करके आती हूँ। कभी कभी एक्सपेरिमेंट किया करो,
अच्छा बन जाता है। जैसे मैंने अभी इसमें डालू घी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ठीक, बस जानती हूँ बहुत सीखा होगा, एडजस्ट कर लूँगी ना, ये उनको शायद और अच्छे बनेगा। जो भी बोलो, राइस बोलो, पराठा बोलो, सब कुछ, ये मतलब घी डालो। ये घी ना मैंने काल ही बनाया आपके, देखो कितना सुंदर कलाया, देखो अपना ऐसे घी बना दिया। लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगा, तो अभी क्या बनेगा कैसे है। चलो मुझे लगता है तैयार हो गया। तो ये है आज का मेरी रेसिपी, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बोलना और लाइक शेयर कर देना। ओके, टाटा बाय बाय।